तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन आरसीबी और केकेआर के बीच खेले गए मैच में केकेआर ने आरसीबी को मात दे दी। अब जाहिर सी बात है कि कल के मैच के बाद जितने भी विराट कोहली फैंस हैं या फिर जितने भी आरसीबी फैंस हैं वो पूरे तरीके से दुखी हैं, क्योंकि आरसीबी फैंस का यही मानना था कि ये जो मैच था वो बहुत हद तक आरसीबी के हाथ में था, लेकिन आरसीबी के ही कुछ गद्दारों ने इस मैच को हरा दिया। और मैं किन गद्दारों की बात कर रहा हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप विराट कोहली या फिर आरसीबी फैंस होंगे तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। पर फिलहाल ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि कौन आरसीबी का गद्दार है या फिर कौन आरसीबी का गद्दार नहीं है। ये वीडियो आपको बस ये बताने के लिए है कि अगर आप आरसीबी की कल की हार से दुखी हैं तो आपके लिए एक और बड़ा दुख इंतजार कर रहा है। और उस दुख को जानने के बाद शायद आपको ये जो आरसीबी की हार का दुख सता रहा है वो बहुत ही छोटा लगने लगेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीबी के पिछले 3 मैचों से विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि जो फैफ डू प्लेसिस हैं वो पूरे तरीके से फिट नहीं हैं। फैफ डू प्लेसिस एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं लेकिन फील्डिंग के वक्त मौजूद नहीं रहते हैं। अब जब से विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन बने थे तो बहुत लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली इस पूरे ही सीजन में आरसीबी की कैप्टेंसी करते हुए दिखें, क्योंकि वो एक अच्छी खासी कैप्टेंसी कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा है कि वो लंबे टाइम बाद कैप्टेंसी कर रहे हैं और आरसीबी टीम उनके अंडर अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही है। हां, माना कल का मैच हार गई जिसके पीछे और भी बहुत बड़े रीजन थे, लेकिन स्टिल जो विराट कोहली की फिलहाल इन 3 मैचों में कैप्टेंसी रही है वो काफी अच्छी रही है। इवन जब से हरभजन सिंह का ये स्टेटमेंट आया था कि आईपीएल 2023 के लिए विराट कोहली को ही आरसीबी की कैप्टेंसी करनी चाहिए, तो तब से लोगों को और ज्यादा लगने लगा था कि शायद इस सीजन विराट कोहली ही कैप्टन के रूप में दिखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़ा दुख आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपने कल के मैच में टॉस नहीं देखा था तो मैं बता दूं कि जब टॉस के वक्त विराट कोहली आते हैं और वो जैसे ही टॉस जीतते हैं और वहां पे पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं तो रवि शास्त्री उनसे पूछते हैं कि क्या हम विराट कोहली को इस पूरे ही सीजन में कैप्टेंसी करते हुए देख सकते हैं, तो विराट कोहली यहां पे पूरे तरीके से सारे फैंस का दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि विराट कोहली कहते हैं कि फैफ डू प्लेसिस अब बिल्कुल फिट होने की लास्ट स्टेज पे हैं और बहुत चांसेस हैं कि अगले मैच में फैफ डू प्लेसिस ही आपको कैप्टन के रूप में दिखेंगे। जैसे ही विराट कोहली ये कहते हैं तो सारे ही आरसीबी और विराट कोहली फैंस का दिल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि लोग जो वो आखिरी उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद फिर से आखिरी बार हमें विराट कोहली एक कैप्टन के रूप में दिखेंगे, वो सारी ही आशाएं चकनाचूर हो जाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही सुन के आपका दिल ऑलरेडी टूट चुका है तो मैं बता दूं कि इससे भी बड़ी बैड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। उसे सुनने के बाद जो शायद आपने ये न्यूज सुनी है आपको लगे ये तो फिर भी अच्छी न्यूज थी, ये तुमने क्या बता दिया। पर वो देखने से पहले ये क्या सुनने में आ रहा है कि तुमने अभी तक बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है? मतलब इतने कमाल कमाल के ऑफर्स मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सब कब यूज करोगे भाई? अगर अभी तक तुमने बल्लेबाजी ऐप पे डिपॉजिट नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिए गए ऑफर्स तुम्हारे लिए ही बने हैं। यूज करो कोड IPL5 डिपॉजिट के टाइम, इसमें मिलेगा 5% एक्स्ट्रा रियल कैश ऑन मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 100 एंड मैक्सिमम ऑफ 10,000। और जिन्हें मेगा लीग का शौक है उनके लिए एक और बढ़िया कोड है, यूज करो कोड IPLFTD, 1800 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो तो, और पाओ 99 मेगा लीग की फ्री टिकट। और ये जो कोड है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए है। इसके अलावा मात्र 39 रुपए में बल्लेबाजी दे रहा है 5,00,000 की ग्रैंड लीग। बाकी कोई समस्या हो तो 2 लोगों की हेडसअप लीग खेल लो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें कम होगा तो जीतने की चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगी। और मेन बात तो यह है कि बल्लेबाजी के अंदर हेडसअप लीग में सबसे लोवेस्ट कमीशन होता है, जैसे कि 5,175 में तुम जीत सकते हो 10,000 रुपए। तो भाई इंतजार मत करो, भरपूर फायदा उठाओ। बाकी इनका प्रिडिक्टर फीचर है जहां पे तुमको बस यस या नो करना है और अंधा पैसा छापना है। अब कल के मैच के लिए क्वेश्चन क्या है, क्या जो राजस्थान है वो चेन्नई को हराएगी? बस यस या नो करना है। मैंने तो नो कर दिया क्योंकि अपने को भैया चेन्नई पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा है। तुम जो भी करने वाले हो कमेंट में बता देना और जाके वहां भी कर देना। और सेम टाइम पे स्क्रीन पे तुमको और भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वहां पे भी जाके तुम यस या नो कर सकते हो और अंधा पैसा छाप सकते हो। बाकी बता दूं कि आज के फैंटेसी वॉर्स में मैच है क्रिक इन्फॉर्मर 007 का। अब किसके साथ मैच है ये आप लोग ऐप में ही जाके देख लो और सपोर्ट करो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स की टीम और जीतो ढेर सारे कैश प्राइजेस। और हाँ भाइयों, तुम लोगों को कार बाइक वगैरह तो पसंद होगी ही ना, तो भाई बल्लेबाजी दे तो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तुम बल्लेबाजी पे फैंटेसी खेलते हो तुम्हारे जो लेवल्स हैं वो अनलॉक होते जाते हैं और तुमको कुछ कॉइंस मिलते हैं। जैसे ही तुम उन कॉइंस को रिडीम करते हो तो बस ये कार बाइक वगैरह सब रिवॉर्ड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही वेट मत करो जब इतना कुछ भैया एक ही जगह मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे
जैसा मैंने आपको बताया कि कल के दिन जब विराट कोहली टॉस के लिए आते हैं तो वो पूरे तरीके से ये ऐलान कर देते हैं कि आने वाले मैच से डू प्लेसिस ही आरसीबी की कैप्टेंसी करेंगे। लेकिन कमाल यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही विराट कोहली ऐलान करते हैं कि वो आने वाले मैचेस में कैप्टन के रूप में नहीं दिखेंगे, तभी एक रिपोर्ट जो है बहुत ही तेजी से वायरल होने लगती है, जहां पे ये पढ़ने को मिलता है कि जो विराट कोहली हैं उनको आरसीबी के मैनेजमेंट ने ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि वो इस सीजन के लिए आरसीबी के कैप्टन बन जाएं, लेकिन विराट कोहली ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब देखिए यहां पे मैं बता दूं कि ये जो आरसीबी ने विराट कोहली से रिक्वेस्ट करी थी कि इस सीजन के लिए वो उनके कैप्टन बन जाएं, उसके पीछे सिर्फ ये वजह नहीं थी कि वो आरसीबी की भलाई चाहते थे या फिर वो ये सोच रहे थे कि विराट कोहली की कैप्टेंसी में आरसीबी की जो चांसेस हैं वो जीतने की ज्यादा होंगी। हाँ, वन ऑफ द रीजन ये जरूर था, ये एक रीजन जरूर था, लेकिन ये पूरे तरीके से रीजन नहीं था। असल में ये आरसीबी के मैनेजमेंट की तरफ से देखा गया था कि जिन मैचेस में आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली थे उन मैचेस में जो व्यूअरशिप आ रही थी वो काफी अच्छी आ रही थी कंपेयर टू उन मैचेस के जिसमें फैफ डू प्लेसिस कैप्टन थे। अब देखो जाहिर सी बात है कि आईपीएल के अंदर मैचेस तो क्रिकेट के होते हैं, लेकिन ये जितनी भी फ्रेंचाइज आईपीएल में टीम खरीदती हैं उनका जो आखिरी एम होता है वो तो पैसा बनाना ही होता है ना, इसीलिए तो टीमें खरीद रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि इनको कोई बहुत क्रिकेट का शौक है तो लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, इन्हें बस टीम खरीदने से मतलब है। कुल मिला के इनका एम यही होता है कि जो टीम है वो आखिर में जाके उनको प्रॉफिट कराए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हर टीम की अपनी फ्रेंचाइज चलती है, हर टीम अपने वगैरह वगैरह ब्रांड लाती है जिससे वो पैसा कमाती है। अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है या फिर जो टीम आईपीएल के प्लेऑफ में जाती है या फिर जो टीम आईपीएल जीतती है वो प्रॉफिट भी ज्यादा ही कमाती है। वो जो विनिंग अमाउंट होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। देखो जो टीम ज्यादा पॉपुलर होगी वो तभी होगी ना जब वो आईपीएल जीतेगी, तो वो जितना ज्यादा पॉपुलर होगी उतने ज्यादा ब्रांड्स उसके पास आएंगे, उतनी ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग होगी। तो कल को अगर वो फ्रेंचाइज अपना कोई ब्रांड लॉन्च करती है तो वो ब्रांड का सामान बिकेगा भी तो ज्यादा तभी ना जब उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी। तो कुल मिला के आरसीबी का विराट कोहली को कैप्टन बनाने के पीछे जो मकसद था, पहला तो था कि आरसीबी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है विराट कोहली के अंदर और बेहतर कर सकती है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पर्पस था वो यही था कि आरसीबी के पास और ज्यादा फैन फॉलोइंग आ रही थी, आरसीबी के मैचेस को और ज्यादा देखा जा रहा था जब उसके कैप्टन विराट कोहली थे। क्योंकि देखो बहुत ही कॉमन सी बात है कि भले ही आईपीएल थोड़ा सा लोगों को बांट देती है, लेकिन एट लास्ट जो विराट कोहली हैं वो तो देश के हीरो हैं ना। तो जो लोग आरसीबी को सपोर्ट नहीं भी करते हैं, जो लोग आरसीबी के फैन नहीं भी हैं, उन्हें भी जब ये पता चल रहा होगा कि विराट कोहली आज कैप्टेंसी कर रहे हैं तो वो भी आरसीबी के मैचेस देख रहे होंगे। लेकिन फिलहाल इन सब बातों को करने से क्या ही फायदा जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी करने से पूरे तरीके से मना कर दिया। विराट कोहली ने ये क्लियरली स्टेट कर दिया कि अब वो कैप्टेंसी से दूर भाग चुके हैं। हाँ, माना कि उन्होंने यहां पे 2-3 मैचेस के लिए कैप्टेंसी कर ली क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन अब उनका कैप्टेंसी से रस उठ चुका है और अब वो एज अ प्लेयर ही क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। तो देखो यहां पे सबसे बड़ी दुखी करने वाली खबर ये है कि जब से वो आरसीबी के कैप्टन बने थे तो कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि शायद आने वाले वक्त में ऐसा हो जाए कि विराट कोहली कभी हमें वापस से इंडियन टीम की कैप्टेंसी करते हुए भी दिख जाए। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने आरसीबी की फुल टाइम कैप्टेंसी को ठुकराया है तो इससे ये साफ है कि वो अब हमें कभी भी इंडियन टीम के कैप्टन के रूप में नहीं दिखेंगे। अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आज के टाइम पे आपके हाथ में होता कि विराट कोहली को आप इंडियन टीम के किसी एक फॉर्मेट में कैप्टन बना सकते हैं तो आप उन्हें किस फॉर्मेट का कैप्टन दोबारा से चुनते, जो भी वीडियो देख रहा है इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं, कॉम्पिटिशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।